सांझ का समय था। हरिपुर के राजा मलय जंगल से शिकार खेलकर अपने राज्य को वापस लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्होंने देखा एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बालक को देखकर वह अपने घोड़े से उतरे और बालक के नज़दीक जाने लगे। जब राजा उस बालक के नज़दीक पहुंचे तो बालक कह रहा था, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपनों को पूरा करूँगा। राजा उसके बिल्कुल नज़दीक पहुँच गए और पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक ने कुछ घबरा कर कहा, आप डरो नहीं, मैं हरिनगर का राजा हूँ। अभी तुम अपनी माँ के चिता के पास बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस बियाबान जंगल में तुम अकेले ही अपनी माँ की चिता के पास क्यों खड़े हो? तुम्हारे अन्य संबंधी और रिश्तेदार कहाँ पर हैं? महाराज, मैं और मेरी माँ तो इस वन में अकेले ही रहते थे, परंतु मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मेरे दादा बीसलगढ़ के अमीर सेठ धन्नामल थे। मेरी माँ और पिताजी ने प्रेम विवाह किया था। क्योंकि मेरी माँ बहुत ही गरीब घर से थी, इसीलिए दादाजी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद ही एक दिन बगीचे में घूमते हुए मेरे पिता को सांप ने डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मेरे दादा दादी ने माँ पर सारा दोष मढ़ दिया कि वो अपशकुनी और मनहूस है, जिसके आते ही उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। ये कहकर उन्होंने माँ को घर से निकाल दिया। तब मेरी माँ गर्भवती थी। उस समय वो जंगल में आकर झोपड़ी बनाकर रहने लगी। यहीं पर मेरा जन्म भी हुआ। मेरी माँ ने मरते समय मुझसे कहा था कि जैसे भी हो, मैं गरीबी के जीवन से बाहर निकलकर धनवान बनूं और योग्य बनूं। महाराज, ये शब्द कहते ही मेरी माँ के प्राण निकल गए। उनके जीवित रहते तो मैं बड़ा आदमी बनने का वादा ना कर सका, इसीलिए उनकी चिता के समीप खड़ा होकर इस समय बड़ा आदमी बनने की माँ की आत्मा से वादा कर रहा था। महाराज, ओह बेटा, बड़ी ही दुख भरी कहानी है तुम्हारी। इस वन में रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? अच्छा ये बताओ, हमारे साथ हमारे राज्य में चलना चाहोगे? आपके साथ महाराज, हम तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं। ओह, तब तो मैं आपके साथ बड़ी खुशी से चलने को तैयार हूँ महाराज। और फिर वह राजा के साथ उसके राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल में पहुँचने पर रानी ने पूछा, यह कौन है महाराज? महारानी, इसका नाम जय है। आज से यह हमारे महल में रहकर शिक्षा ग्रहण करेगा। रानी मन में सोचने लगी, महाराज भी ना जाने कैसे कैसे नमूने उठाकर महल में ले आते हैं। इन्हें कौन समझाए कि ये महल है, कोई अनाथालय नहीं है। महारानी, आप किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं महाराज, आप आज्ञा कीजिए। महारानी, आज से जय तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा। राजकुमार और राजकुमारी की तरह ही अब तुम्हें इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है महाराज। उस रात जय सोचने लगा कि उसकी कितनी अच्छी किस्मत है कि वो राजमहल में पहुंच गया। दूसरी तरफ महारानी सोच रही थी कि जय को महल से निकालने के लिए मुझे कल कुछ करना ही होगा। अगले दिन जब राजकुमार और राजकुमारी के साथ जय को भोजन परोसा गया तो राजकुमार और राजकुमारी को सोने के थाल में भोजन दिया गया, परंतु जय को एक पत्ते पर भोजन परोसा गया, जिससे कि वह नाराज हो गया और बोला, मैं इस पत्ते पर भोजन नहीं करूंगा। रानी ने कहा, क्यों, क्या पत्तल पर तुम भोजन नहीं खा सकते? खा सकता हूं, पर इस भेदभाव के साथ नहीं। राजकुमार और राजकुमारी जी को सोने के थाल में परोसा गया है और मुझे पत्तल पर क्यों? ऐसी परिस्थिति में मैं केवल सोने के थाल पर परोसा हुआ भोजन ही करूंगा। ओह गरीब का लड़का, और अभिमान राजाओं और महाराजाओं जैसा। खाना हो तो खा, वरना मत खा। खाना तुझे पत्तल पर ही दिया जाएगा। यह सुनकर जय ने कहा, ठीक है रानी माँ, इस महल में मैं अब तभी भोजन करूँगा जब आदर सहित सोने के थाल में भोजन परोसा जाएगा। वह दिन कभी नहीं आएगा। जय अपमानित सा होकर वहां से चला गया। जय को किसी ने नहीं रोका और वह बोझिल कदमों के साथ महल के बाहर आ गया और वापस उसी जंगल की तरफ चला गया जहां से उसे लाया गया था। इधर जब महाराज महल में आए और उन्हें सारी घटना का पता चला तो उन्होंने रानी से कहा, ओह महारानी, उसे भी सोने के थाल में भोजन क्यों नहीं परोसा गया? महाराज, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहती थी कि वो कितने पानी में है। तो तुमने क्या जाना महारानी, वह अत्यंत ही मगरूर और घमंडी बालक है। इसके सिवा उसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं है। वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। महारानी, बेशक उसे पत्ते पर भोजन परोसकर तुम उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, परंतु तुमने ये ठीक नहीं किया। वह अभी बालक है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा। कहीं वह महल से चला ना जाए। महाराज, महल का सुख वैभव छोड़कर वह कैसे जा सकता है भला? राजा तुरंत जय को महल में ढूंढने लगे, परंतु वह उन्हें महल में नहीं मिला। जय अवश्य ही जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाकर उस बेसहारा बालक को वापस महल में लेकर आना चाहिए। राजा मलय अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल चले। इधर जब जय वापस जंगल में आ रहा था तो रास्ते में उसे एक ऋषि मिल गए जिनका नाम सोमित्र था। उन्होंने जय को देखा तो पूछा, बेटा, इस बियाबान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या घर से भागकर आए हो? नहीं ऋषिवर, ऐसी बात नहीं है। तब जय ने सोमित्र ऋषि को अपनी राम कहानी सुनाई। तब ऋषि ने कहा, तो तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? हाँ ऋषिवर, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। बेटा, यहाँ पर रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि विद्या ग्रहण करने से आती है। ओह, लेकिन महाराज, मैं विद्या कैसे ग्रहण करूँगा? मुझे कौन पढ़ाएगा? मुझ गरीब के पास तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बिल्कुल भी धन नहीं है ऋषिवर। बेटा, यदि तू सच्चे मन से शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो मेरे साथ चल। मेरे आश्रम में रहकर तू शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ओह ऐसा, पर मैं आपको शिक्षा का मूल्य ना दे सकूंगा ऋषिवर। शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता बेटा, वह तो अमूल्य है। जय ऋषि के साथ उनके आश्रम में जा पहुंचा। आश्रम में रहकर ही जय ने शिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी। साथ ही साथ वह आश्रम के कामों में ऋषिवर का हाथ भी बटाता था। इसी प्रकार दिन, महीने और साल बीत गए। जय अब एक युवक बन चुका था। तब एक दिन ऋषि ने कहा, जय, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होती है। मुझे इस बात पर सदैव गर्व रहेगा कि तुम मेरे सबसे सुयोग्य और बुद्धिमान शिष्य हो। अपनी बुद्धि के प्रयोग से तुम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सकोगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जाओ, अपने इस बुद्धि के बल के सहारे जीवन के कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतर जाओ। गुरु का आशीर्वाद पाकर जय उसी समय आश्रम से बाहर चला गया। उसने निश्चय किया कि वह हरिनगर जाएगा। हरिनगर वही राज्य था जहाँ के राजा ने एक बार बचपन के समय में जय को आश्रय दिया था, परंतु उसकी रानी ने अपमानित करके जय को निकाल दिया था। जब जय हरिनगर में पहुंचा तब उसे मालूम हुआ कि वहां के प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है और इसीलिए प्रधानमंत्री का पद खाली पड़ा था। राजमहल की राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री के खाली पड़े पद पर योग्य उम्मीदवार का चुनाव करना था। जय भी उस समय राजा के दरबार में पहुंच गया और वहां पर जो कुछ भी घटित हो रहा था उसे जय बड़े ही ध्यान से देखने लगा। उस समय राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सेनापति ने कहा, महाराज, प्रधानमंत्री की आकस्मिक मृत्यु से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो गया है। यह पद ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रखना चाहिए। सेनापति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तक जो रीति चली आई है उसी रीति के अनुसार प्रधानमंत्री के पुत्र शारंग को प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया जाएगा। लेकिन महाराज, क्या शारंग इस पद के योग्य है? योग्य हो या ना हो, राजकीय रीति के अनुसार यह पद तो शारंग को ही सौंप दिया जाएगा। हम अभी दरबार में इस बात की घोषणा कर देते हैं। तभी जय आगे बढ़ा और उसने कहा, महाराज, समय के साथ साथ पुराने रीति रिवाजों को बदल देने में ही बुद्धिमानी है। कौन हो तुम? मेरा नाम यश है महाराज। मैं प्रधानमंत्री पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूँ। किस बूते पर तुम यह पद पाने की इच्छा रखते हो? जय ने राजा मलय के सामने अपना नाम यश बताया था ताकि राजा मलय उसे पहचान ना सकें, और वैसे भी इतने वर्षों के बाद राजा मलय वृद्ध हो चुके थे। तब जय ने आगे कहा, महाराज, आप जैसे चाहें उसी प्रकार से मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरा तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है युवक, तुमने राजकीय रीति रिवाजों को बदल डालने के लिए हमें जो सलाह दी है, हम उसको मानते हैं। उस सलाह पर हम तभी अमल कर सकते हैं जब तुम हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम शारंग और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे हम हरिनगर का प्रधानमंत्री बनाएंगे। राजा मलय के आदेश पर सोने की मयान में रखी हुई दो तलवारें तुरंत राज दरबार में पेश की गईं। तब राजा मलय ने शारंग को एक तलवार दी और कहा, शारंग, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है और वहां के समीपवर्ती राज्य केसरपुर में जाकर वहां के राजा केसर सिंह को यह भेंट देकर आना है। उसके बाद महाराज ने एक सोने की तलवार यश को दी और कहा, यश, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य विशालपुरम में जाकर राजा विशाल तक ये भेंट पहुंचानी है। दोनों उसी समय तलवारें लेकर अपनी अपनी दिशाओं की ओर चल दिए। जब शारंग उत्तर दिशा में स्थित केसरपुर राज्य के दरबार में पहुंचा, तब उसने वहां के राजा से कहा, राजन, मैं हरिनगर के राजा मलय के द्वारा भेजा गया राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए भेंट में ये सोने की तलवार भिजवाई है। राजदूत, तुम्हारे महाराज की ये भेंट हम स्वीकार करते हैं। परंतु जैसे ही महाराज ने तलवार को मयान से बाहर निकाला तो देखा तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। राजा ने कहा, यह क्या, तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ है? राजदूत, इसका क्या अर्थ है? हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसका अर्थ तुम ही बताओ। तब शारंग मन ही मन में सोचने लगा, तलवार की नोक पर लगे हुए इस लाल रंग का आखिर क्या मतलब हो सकता है? मैं इस लाल रंग का मतलब नहीं जानता हूँ। फिर भी इस समय राजा केसर सिंह की बात का उत्तर ना देना ठीक ना होगा। यह सोचकर शारंग ने कहा, हाँ राजन, लाल रंग का यही रहस्य है। या तो आप हमारे राजा की तलवार की शक्ति स्वीकार कर लें, वरना हमारे महाराज की खूनी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने से ना चूकेगी। ये बात है, तुम्हारे राजा को अपने ऊपर इतना घमंड है? जाओ उनसे कह देना कि अब युद्ध भूमि में ही शीघ्र तलवार की धारों का फैसला हो जाएगा। सेनापति जी, राजा मलय ने लाल रंग की तलवार भेजकर हमें चुनौती दी है। तुम आज से ही सेना को संगठित करना शुरू कर दो। बहुत जल्दी ही हम हरिनगर पर आक्रमण करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। ये सुनकर शारंग घबरा कर वहाँ से चला गया। इधर जय जब विशालपुरम में पहुँचा और वहाँ के राजा के सम्मुख प्रस्तुत हुआ तो राजा ने कहा, राजदूत, इस अद्भुत भेंट का रहस्य हमारी समझ में नहीं आया। तलवार की नोक पर लगे हुए इस लाल रंग का क्या अर्थ है? तुम ही हमें बताओ। जय उस तलवार के बारे में कुछ सोच में पड़ गया। क्या रहस्य हो सकता है इस तलवार पर लगे हुए लाल रंग का? बहुत सोच विचार के पश्चात उसके होंठों पर मुस्कान दौड़ गई और वह बोला, राजन, हमारे महाराजा आपका अत्यंत ही सम्मान करते हैं। ये तलवार उसी सम्मान का सूचक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाकर हमारे राजा ये बात सिद्ध करना चाहते हैं कि वो और उनका राज्य आपकी मित्रता के लिए खून की एक एक बूंद बहाने से भी नहीं हिचकेगा। ओह, ये बात है, बड़े ही सुंदर विचार हैं तुम्हारे राजा के। राजदूत, मैं तुम्हारे राजा की इस मित्रता सूचक तलवार को स्वीकार करता हूँ और इसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं भी तुम्हारे राजा का सच्चा मित्र व हितैषी बनने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा तन मन सदैव उनके लिए अर्पित रहेगा। और साथ ही राजा ने कहा, राजदूत, मैं तुम्हें सेना की एक टुकड़ी और बहुमूल्य उपहार तुम्हारे राजा को भेंट के रूप में दे रहा हूँ। धन्यवाद महाराज। जय सेना की उस टुकड़ी और बहुमूल्य उपहारों को लेकर हरिनगर की तरफ रवाना हो गया। इधर केसरपुर की सेना ने हरिनगर की ओर कूच कर दिया। शारंग और जय दोनों ही हरिनगर में पहुंचे। तब राजा ने कहा, कहो शारंग, केसरपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग का तुमने उन्हें क्या अर्थ बतलाया? तब शारंग ने सारी बात उन्हें विस्तार से बता दी। ओह शारंग, ये तुम क्या कह रहे हो? केसर सिंह शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। जी महाराज। उसी समय एक गुप्तचर आया। महाराज, केसरपुर की विशाल सेना हरिनगर की तरफ बड़ी चली आ रही है। ओह, अब क्या होगा? इतनी शीघ्र तो हम अपनी सेना को सुगठित भी नहीं कर सकते। तब वहां पर मौजूद जय ने कहा, महाराज घबराइए नहीं, मैंने विशालपुरम के राजा को तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग के विषय में जब जानकारी दी तो उन्होंने खुश होकर अपनी सेना की एक टुकड़ी मेरे साथ रवाना कर दी थी। वह टुकड़ी अब भी महल के बाहर खड़ी है। महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप सेनापति जी से कहिए कि वो सेना के साथ केसर नगर की सेना का मुकाबला करें। पीछे से मैं अपने साथ लाई हुई सेना की टुकड़ी के साथ केसरपुर की सेना पर आक्रमण कर दूंगा। दो तरफ से हुए इस आक्रमण को केसरपुर की सेना झेल नहीं पाएगी और उस अवस्था में विजय हमारे ही हाथ लगेगी। और वही हुआ जैसा कि जय ने सोचा था। युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद महाराज मलय ने शारंग और जय को अपने महल में बुलाया। जय, तुम्हारी वजह से हम जीत हासिल कर सके हैं। हम तुम्हें प्रधानमंत्री का कार्यपद सौंपते हैं। शारंग ने कहा, महाराज यह तो आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैंने तुम दोनों को एक सी भेंट देकर दोनों राजाओं को देने के लिए कहा था, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उन भेंटों का अलग अलग अर्थ निकाला। यश ने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि शारंग तुमने अपनी मूर्खता से केसरपुर के राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया। तब बताओ, हम तुम्हें हरिनगर का प्रधानमंत्री बनाएं या यश को? शारंग ने कोई जवाब ना दिया और सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। तब महाराज ने घोषणा की, हम यश को हरिनगर का नया प्रधानमंत्री बनाते हैं। इसके बाद उसी रात को यश के प्रधानमंत्री बनने के सम्मान में उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। तब महारानी ने स्वयं अपने हाथों से यश को भोजन परोसा। प्रधानमंत्री बने हुए यश ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं भोजन इस चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। ठीक है, हम उसका भी प्रबंध किए देते हैं। जब जय के लिए सोने की थाली में भोजन परोसा गया तब जय ने कहा, देख लीजिए महारानी जी, जिस दिन के बारे में कभी आपने मना किया था आज वह दिन आ ही गया। महारानी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? महारानी जी याद कीजिए, आज से 15 वर्ष पूर्व जब जय नाम के एक बालक को आपने पत्ते पर भोजन परोसा था। ओह हाँ, याद आया, उस हठी बालक ने तब उस भोजन को खाने से मना कर दिया था। उस बालक ने आपसे यह भी तो कहा था कि महारानी जी, अब वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब आदर सहित सोने के थाल में भोजन परोसा जाएगा। हाँ, कहा तो था, लेकिन आपको उन बातों के विषय में कैसे पता है? मैं वही बालक जय हूँ महारानी जी। तुम जय हो? ओह तुम। तब राजा मलय ने महारानी सुनंदा से कहा, देख लो महारानी, जिस बालक को तुमने मगरूर समझा वह आज इस देश का प्रधानमंत्री है। ऐसा ना कहिए राजन, यदि महारानी जी मुझे उस वक्त तिरस्कृत नहीं करती तो मेरे मन में भी ऊंचा उठने की तीव्र लालसा ना जागती। मैं तो महारानी जी का एहसानमंद हूँ। यह तो तुम्हारी विनम्रता है प्रधानमंत्री। जय ने कुशलता पूर्वक प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया। दुर्गा नाथ ने अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी ही की थी। वह जाति से ब्राह्मण थे, इसीलिए लोग उन्हें पंडित जी कहकर पुकारते थे। अपने गांव के इकलौते आदमी थे जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सके थे। अब दुर्गा नाथ ने नौकरी के बारे में सोचा, परंतु कहाँ नौकरी करें ये एक कठिन समस्या थी, क्योंकि वे बड़े ही दयालु और धार्मिक किस्म के आदमी थे। वो कोई ऐसा काम करना चाहते थे जिससे अपना जीवन सुखपूर्वक बीते और दूसरों के साथ भलाई करने का मौका भी मिल सके। सोचा वकालत में जाऊं या पुलिस में या फिर प्रशासन विभाग में कोई नौकरी करूं, परंतु सभी जगह की हवा ईमानदार आदमी के लिए ठीक नहीं है। इसी प्रकार बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि किसी जमींदार के यहाँ पर नौकरी कर लेनी चाहिए। वेतन तो कम मिलेगा, किंतु किसानों के साथ दिन रात संबंध रहेगा तो उनके साथ सद्व्यवहार करने का अवसर मिलेगा। साधारण जीवन निर्वाह होगा और विचार दृढ़ होंगे। कुंवर विशाल सिंह जी एक संपत्तिशाली जमींदार थे। उनकी रियासत बहुत ही बड़ी थी। पंडित दुर्गानाथ ने उनके पास जाकर प्रार्थना की कि मुझे भी अपनी सेवा में रख लें। कुंवर साहब ने उन्हें सिर से पैर तक देखा और कहा, पंडित जी आपको अपने यहाँ पर रखने में मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होती, किंतु आपके योग्य मेरे यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। दुर्गानाथ ने कहा, मेरे लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है, मैं हर एक काम कर सकता हूँ। वेतन आप जो भी प्रसन्नतापूर्वक देंगे मैं स्वीकार करूँगा। मैंने तो ये संकल्प कर लिया है कि सिवा किसी रईस के और किसी की नौकरी नहीं करूँगा। कुंवर विशाल सिंह ने अभिमान से कहा, रईस की नौकरी नौकरी नहीं, राज करना है। मैं अपने चपरासियों को 2 रुपये महीना देता हूँ, परंतु उनके दरवाजों पर भी घोड़े बंधे हुए हैं। मेरे कारिंदे 5 रुपए से अधिक नहीं पाते, किंतु उनकी शादी वकीलों के यहाँ पर होती है। ना जाने उनकी कमाई में क्या बरकत होती है। बरसों तक वे तनख्वाह का हिसाब नहीं करते। कितने ही लोग ऐसे हैं जो बिना तनख्वाह के भी मेरे चपरासी बनने को तैयार हैं, परंतु ये अपना नियम नहीं है। समझ लीजिए मेरा मुख्तियार अपने इलाके में एक बड़े जमींदार से अधिक रोब रखता है। उसकी ठाठ बाट और उसकी हकूमत छोटे छोटे राजाओं से कम नहीं होती। जिसे इस नौकरी का चस्का लग गया उसके सामने तहसीलदारी भी झूठी है। दुर्गानाथ ने कुंवर साहब की बातों का समर्थन किया, जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। वे दुनियादारी में अभी कच्चे थे और बोले, मुझे अब तक किसी रईस की नौकरी का चस्का नहीं लगा। मैं तो अभी कॉलेज से निकलकर आया हूँ और ना मैं इन कारणों से नौकरी करना चाहता हूँ जिनका कि आपने वर्णन किया है, किंतु इतने कम वेतन में मेरा निर्वाह ना होगा। आपके बाकी नौकर असामियों का गला दबाते होंगे, मुझसे मरते समय तक ऐसा कार्य ना होगा। जमींदार ने कहा, किंतु मेरे यहाँ पर तनख्वाह अधिक नहीं दी जाती। जमींदार का ये उत्तर सुनकर पंडित जी कुछ खिन्न हुए और बोले, तो फिर मेरी मजबूरी है। मेरे द्वारा आपका जो समय नष्ट किया गया है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तब कुंवर साहब ने मन में सोचा कि मेरे यहाँ पर सदा अदालत कचहरी लगी रहती है। सैकड़ों रुपए तो डिग्री और अंग्रेजी कागजों के अनुवाद में लग जाते हैं। एक अंग्रेजी पढ़ा लिखा युवक बड़े ही आराम से मिल रहा है। इसे अधिक तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी, इसे रख लेना ही उचित है। तब उन्होंने कहा, आप एक सज्जन पुरुष हैं, आप मेरे यहाँ पर प्रसन्नतापूर्वक रहिए। मैं आपको एक इलाके का अधिकारी बना दूंगा और आपका काम देखकर तरक्की भी करूंगा। दुर्गानाथ जी 20 रुपये मासिक पर रहना स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ से कोई 2.5 मील पर कई गांव का एक इलाका है जिसे चांदपार के नाम से जाना जाता था। पंडित जी को इसी इलाके का अधिकारी नियुक्त किया गया। पंडित दुर्गानाथ ने चांदपार के इलाके में पहुंचकर अपने निवास स्थान को देखा तो उन्होंने कुंवर साहब की बात को बिल्कुल सत्य पाया। सच में रियासत की नौकरी सुख संपत्ति का घर है। रहने के लिए उन्हें एक सुंदर बंगला मिला जिसमें सभी सुख सुविधाएं और नौकर चाकर और चपरासी मौजूद थे। किंतु इस प्रकार की सजावट और विलासता की सामग्री देखकर दुर्गा नाथ को उतनी प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि इस सजे हुए बंगले के चारों ओर किसानों के झोंपड़े थे। इन फूस के घरों में मिट्टी के बर्तनों के सिवा और सामान ही क्या था। वहाँ के लोगों में वो बंगला कोर्ट के नाम से प्रसिद्ध था। लड़के उस बंगले को भय की दृष्टि से देखते थे। बंगले के चबूतरे पर पैर रखने की किसी की हिम्मत ना थी। चपरासी लोग किसानों के साथ ऐसा वर्ताव करते जैसा कि पशुओं के साथ भी नहीं किया जाता। पहले ही दिन कई सौ किसानों ने पंडित जी को अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट के रूप में उपस्थित की, किंतु दुर्गा नाथ ने वे सब की सब वस्तुएं लौटा दी। इस बात पर किसानों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। किसान प्रसन्न हुए, किंतु चपरासियों का रक्त उबलने लगा। किसान आपस में कहने लगे कि कोई धर्मात्मा पुरुष आए हैं, परंतु चपरासियों को ये नई बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने पंडित जी से कहा, हजूर अगर आपको ये चीजें पसंद ना हो तो ना लें, मगर रस्म को तो ना मिटाएं। अगर कोई दूसरा आदमी यहाँ पर आएगा तो उसे नए सिरे से यह रस्में बांधने में कितनी दिक्कत होगी। ये बातें सुनकर पंडित जी ने केवल यही उत्तर दिया, जिसके सिर पर पड़ेगा वह भुगत लेगा, मुझे इसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। एक चपरासी ने साहस करके कहा, इन असामियों को आप नहीं जानते, ये जितने गरीब दिखते हैं उतने गरीब नहीं हैं, इनका ढंग ही ऐसा है, ये भेष ही ऐसा बनाए रखते हैं, देखने में सीधे हैं परंतु बिना सींग की गायें हैं। चपरासियों के साथ इस वाद विवाद का प्रभाव पंडित जी पर कुछ भी नहीं पड़ा। वे तो प्रत्येक किसान के साथ दयालुता और भाईचारे का आचरण करने लगे थे। उनके इस अच्छे व्यवहार ने किसानों का मन मोह लिया था। लगान का रुपया जिसके लिए प्रतिवर्ष कुर्की और नीलामी की आवश्यकता होती थी, इस वर्ष एक इशारे पर ही वसूल हो गया। कुंवर विशाल सिंह अपनी प्रजा के पालन पोषण पर बहुत ही ध्यान रखते थे। वे बीज, अनाज और बैलों के लिए अपने असामियों को कर्जा भी देते थे। फसल कटने पर एक का 1.5 वसूल कर लेते थे। चांदपार के इलाके के कितने ही किसान उनके कर्जदार थे। चैत का महीना था, फसल कटकर खलियानों में आ गई। इस अवसर पर कुंवर साहब ने चांदपार वालों को बुलाया और कहा, हमारा अनाज और लगान आज चुकता कर दो। यह चैत का महीना है, जब तक कड़ाई ना की जाए तुम लोग डकार नहीं लेते, इस तरह से काम ना चलेगा। तभी एक किसान जिसका नाम मलुका था, उसने कहा, सरकार कुछ अभी ले लो, कुछ फिर दे दिया जाएगा, हमारी गर्दन तो सरकार की मुट्ठी में है। आज कोड़ी कोड़ी चुकाकर ही यहाँ से उठ पाओगे, तुम लोग हमेशा हील हवाला करते रहते हो। मलुका ने विनय के साथ कहा, सरकार हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। कुंवर साहब को मलुका का ज्यादा बोलना सही ना लगा। उन्हें इस बात पर क्रोध आ गया। रईस जो ठहरे, उन्होंने मलुका को बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा कि कोई इसके कान तो गर्म करो, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें करता है। कुंवर साहब ने तो सिर्फ धमकाने के लिए कहा था, किंतु उनके एक चपरासी ने लपक कर मलुका की गर्दन पकड़ ली और ऐसा धक्का दिया कि बेचारा जमीन पर जा गिरा। मलुका के 2 जवान बेटे वहां पर चुपचाप खड़े थे। बाप की ऐसी दशा देखकर उनका खून गर्म हो उठा। वो झपट कर चपरासी पर टूट पड़े। धमाधम के शब्द सुनाई पड़ने लगे। मलुका ने देखा कि बात बिगड़ गई है। वह उठा और चपरासी को छुड़ाकर अपने लड़कों को डांटने लगा। जब लड़कों ने पलटकर उसी को डांट दिया तो वह दौड़कर कुंवर साहब के चरणों पर गिर पड़ा, परंतु बात बिगड़ चुकी थी। कुंवर साहब की आंखों से मानो अंगारे निकल रहे थे। वे बोले, बेईमान, आंखों के सामने से दूर हो जा, नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगा। मलुका समझता था कि कुंवर साहब कुछ न्याय करेंगे, परंतु ये फटकार सुनकर वो बोला, सरकार बुढ़ापे में आपके दरवाजे पर हमारी इज्जत उतर गई, उस पर आप हमी को डांटते हैं। कुंवर साहब ने कहा, तुम्हारी इज्जत अभी उतरी ही कहाँ है, अब उतरेगी। मलुका के दोनों लड़के बोले, सरकार अपना रुपया लेंगे या किसी की इज्जत लेंगे। कुंवर साहब ने ऐंठ कर कहा, रुपया पीछे लेंगे, पहले देखेंगे कि तुम्हारी इज्जत कितनी है। इस घटना के बाद चांदपार के किसान अपने गांव पहुंचकर पंडित दुर्गा नाथ से अपनी राम कहानी कहने लगे कि तभी कुंवर साहब का दूत पहुंचा और खबर दी कि सरकार ने आपको अभी अभी बुलाया है। दुर्गा नाथ ठाकुर साहब के दरबार में हाजिर हुए। कुंवर साहब की आंखें लाल थीं। पंडित जी को देखते ही वे बोले, चांदपार वालों की हरकतें आपने देखी? पंडित जी ने नम्र भाव से कहा, जी हाँ, सुनकर बड़ा ही दुख हुआ, वे ऐसे सरकश तो ना थे। यह सब आपके आने का ही फल है, आप अभी स्कूल के लड़के हैं, आप क्या जाने कि संसार में कैसे रहना होता है। यदि आपका वर्ताव असामियों के साथ ऐसा ही रहा तो फिर मैं जमींदारी कर चुका, यह सब आपकी ही करनी है। मैंने इसी दरवाजे पर न जाने कितने असामियों को बांध बांध कर उल्टा लटकाया है, परंतु आज तक किसी ने चूं तक ना की, और आज उनका ये साहस कि मेरे आदमी पर हाथ चलाएं। दुर्गा नाथ ने कुछ दबते हुए कहा, महाशय इसमें मेरा क्या अपराध है, मैंने जब ये सुना तब मैं स्वयं भी सोच में पड़ा हूँ। आपका अपराध नहीं है तो किसका है, आपने ही इनको सिर चढ़ाया है। उनके साथ भाईचारे का वर्ताव करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, ये छोटे आदमी इस वर्ताव की कदर क्या जाने। अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब मैं चाहता हूँ कि इन बदमाशों को मजा चखाया जाए। किसानों को लगान की रसीदें अभी दी तो नहीं होंगी? दुर्गा नाथ ने कुछ डरते हुए कहा, जी नहीं, रसीदें तैयार हैं, लेकिन आपके हस्ताक्षर की देरी है। कुंवर साहब ने कुछ संतुष्ट होकर कहा, यह अच्छा हुआ, अब आप इन रसीदों को मुझे दे दीजिए और इन लोगों पर बकाया लगान का मुकदमा किया जाएगा। फसल नीलाम करवा दूंगा, जब भूखे मरेंगे तब इन्हें सूझेगी। और जो रुपया अब तक वसूल हो चुका है वह बीज और इनके कर्ज के खाते में चढ़ा लीजिए। आपको केवल ये गवाही देनी है कि ये रुपया लगान के खाते में नहीं बल्कि कर्ज के खाते में वसूल हुआ है, बस। दुर्गा नाथ चिंतित हो गए, सोचने लगे कि ये क्या, यहाँ पर भी वही आपत्ति है जिससे मैं बचना चाहता था। वे सोचने लगे, क्या जानबूझकर इन गरीबों की गर्दन पर छुरी फेरूं इसीलिए कि मेरी नौकरी बनी रहे? नहीं, यह मुझसे ना होगा। वे बोले, क्या मेरी गवाही के बिना काम ना चलेगा? कुंवर साहब क्रोध से बोले, क्या इतना कहने में भी कोई हर्ज है? जी, यूँ तो मैंने आपका नमक खाया है, आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, किंतु कचहरी में मैंने कभी गवाही नहीं दी, इसीलिए ये कार्य मुझसे ना हो सकेगा, मुझे क्षमा कर दिया जाए। यह काम आपको करना ही पड़ेगा, इसमें हाँ या ना की कोई गुंजाइश नहीं है। आग आपने ही लगाई है तो बुझाएगा कौन? मैं झूठ कदापि नहीं बोल सकता और ना ही इस प्रकार की गलत गवाही दे सकता हूँ। कुंवर साहब ने कुछ नरम होकर कहा, ये झूठ नहीं है, मैंने झूठ का व्यापार नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि आप रुपए का वसूल होना अस्वीकार कर दीजिए। जब असामी मेरे कर्जदार हैं तो मुझे अधिकार है कि चाहे रुपया कर्ज के खाते में वसूल करूं या लगान के खाते में। यदि इतनी सी बात को आप झूठ समझते हैं तो ये गलत है। अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं है, जैसा हमने कहा वैसा ही कीजिए। चांदपार के असामियों पर बकाया लगान का मुकदमा ठोक दिया गया। सभी किसानों के घर पर समन आए, घर घर उदासी छा गई। समन क्या थे? यम के दूत थे। देवी देवताओं की मिन्नतें होने लगी, स्त्रियां अपने घर वालों को कोसने लगी और पुरुष अपने भाग्य को। दुर्गा नाथ के 3 दिन कठिन परीक्षा के थे। एक ओर कुंवर साहब की नौकरी थी और दूसरी तरफ किसानों की हाय हाय। मुकदमे की पेशी हुई। कुंवर साहब की ओर से गवाह गवाही देने लगे कि असामी बड़े ही दुष्ट हैं, जब लगान मांगा जाता है तो लड़ाई झगड़े पर तैयार हो जाते हैं। इस वर्ष इन्होंने लगान की 1 कौड़ी भी नहीं दी। सबसे आखिर में पंडित दुर्गानाथ की पुकार हुई, उन्हीं के बयान पर निपटारा होना था। सभी आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। न्यायाधीश ने तीव्र स्वर में कहा, तुम जानते हो कि मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हो। जी हाँ, भली भांति जानता हूँ। तुम्हारे ऊपर असत्य भाषण का मुकदमा भी किया जा सकता है। अवश्य कीजिएगा, यदि मेरा कथन झूठा हुआ तो क्या इन असामियों ने सारा लगान अदा कर दिया है? जी हाँ, इनके जिम्मे लगान की 1 कौड़ी भी बाकी नहीं है। तो फिर रसीदें क्यों नहीं दी? मेरे मालिक की आज्ञा थी। न्यायाधीश ने सारे मुकदमे खारिज कर दिए। कुंवर साहब को जब अपनी पराजय की खबर मिली तो उनके क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने पंडित दुर्गा नाथ को सैकड़ों कुवाक्य कहे, नमक हराम, विश्वासघाती, दुष्ट और न जाने क्या क्या, और कहने लगे मैंने उसका कितना आदर किया, किंतु कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। अंत में विश्वासघात कर ही दिया। ये तो अच्छा हुआ था कि पंडित दुर्गा नाथ ने मजिस्ट्रेट के फैसला सुनाते ही सारे कागज और चाबियां जमींदार साहब के आदमियों को वहीं पर सौंप दी थी, अन्यथा हवेली पर आकर सौंपते तो निश्चित ही उनके लिए अच्छा ना होता। चांदपार का इलाका बहुत ही बड़ा इलाका था। कुंवर साहब को वहां के किसानों से कई सौ रुपए कर्जे के रूप में वसूल करने रह गए थे। इस घटना के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि उनका रुपया अब डूब जाएगा। वसूल होने की कोई आशा नहीं थी। वे मन ही मन में दुर्गा नाथ को गलियाते रहते कि उसने आसामियों को बिल्कुल बिगाड़ दिया है, अब आसामियों को मेरा डर ही कहां पर है। उन्होंने अपने लोगों से सलाह की तो उन्होंने भी यही कहा कि अब कर्जा वसूल होने की कोई सूरत नहीं है। कागजात न्यायालय में पेश किए जाएंगे तो इनकम टैक्स लग जाएगा, किंतु रुपया फिर भी वसूल नहीं होगा। कहीं हिसाब किताब में कोई भूल निकल आई तो रही सही साख भी जाती रहेगी और दूसरे इलाकों का रुपया भी मारा जाएगा। दूसरे दिन कुंवर साहब पूजा पाठ से फारिग होकर अपने चौपाल में बैठे थे तो क्या देखते हैं कि चांदपार के आसामी झुंड के झुंड चले आ रहे हैं। उन्हें ये देखकर भय हुआ कि कहीं ये सब के सब कुछ उपद्रव तो नहीं करेंगे, किंतु किसी के हाथ में एक छड़ी तक न थी। मलुका सबसे आगे आगे था। उसने दूर से ही झुककर ठाकुर साहब को सलाम किया। ठाकुर साहब को ऐसा आश्चर्य हुआ कि मानो कोई सपना देख रहे हों। मलुका ने सामने आकर विनयपूर्वक कहा, सरकार, हम लोगों से जो कुछ भूल चूक हो गई हो उसे क्षमा कर दीजिए। हम सब लोग हजूर के चाकर हैं। कुंवर साहब का उत्साह बढ़ गया। समझे कि पंडित जी के चले जाने के बाद इन सबों के होश ठिकाने आ गए हैं, आज किसका सहारा लेंगे। वे कड़क कर बोले, वो तुम्हारा सहायक पंडित कहाँ पर गया? आज आ जाता तो उसकी खबर ली जाती। ये सुनकर मलुका की आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, सरकार, उनको कुछ ना कहें। वे आदमी नहीं देवता थे। जवानी की सौगंध जो उन्होंने आपकी कभी भी निंदा की हो। वे बेचारे तो हम लोगों को बार बार समझाते थे कि देखो, मालिक से बिगाड़ कर रखना अच्छी बात नहीं है। जाते जाते हमसे कह कर गए हैं कि मालिक का जो कुछ भी तुम्हारे जिम्मे कर्ज निकलता है उसे चुका देना। आप हमारे मालिक हैं, हमने आपका बहुत खाया पिया। अब हमारी यही विनती है सरकार कि हमारा हिसाब किताब देखकर जो कुछ हमारे ऊपर निकलता है बता दिया जाए। हम 1-1 कौड़ी चुकाकर ही पानी पियेंगे। कुंवर साहब प्रसन्न हो गए। उन्होंने इन रुपयों के लिए न जाने कितने खेत कटवाए, कितनी बार घरों में आग लगवाई, अनेकों बार मारपीट की, कैसे कैसे दंड दिए। आज ये सब अपने आप ही सारा हिसाब किताब साफ करने आए हैं। ये क्या जादू है। जमींदार साहब के मुख्तियार ने अपने कागज पत्र खोले और असामियों ने अपनी अपनी पोटलियां। सभी ने अपने अपने जिम्मे जितना भी कर्ज निकला बिना किसी आवाज के अदा कर दिया। देखते ही देखते रुपयों का ढेर लग गया। किसी के जिम्मे कुछ बाकी ना रहा। यह सत्य और न्याय की विजय थी। कठोरता और निर्दयता से जो काम कभी ना हुआ वह धर्म और न्याय ने पूरा कर दिखाया। जब ये सब लोग मुकदमा जीतकर आए थे तभी से उनको रुपया चुकाने की धुन सवार थी। पंडित जी को ये लोग देवता समझते थे। रुपया चुका देने के लिए उनकी विशेष आज्ञा थी। किसी ने अपने बैल तो किसी ने अपने गहने गिरवी रखे। ये सब कुछ सहन किया परंतु पंडित जी की बात ना टाल सके। कुंवर साहब के मन में पंडित जी के प्रति जो बुरे विचार थे वे सब मिट गए। वे भी सोचने लगे कि सत्यता और कोमलता में कितनी बड़ी शक्ति होती है। ये असामी मेरे हाथ से निकल ही गए थे, मैं इनका क्या बिगाड़ सकता था। अवश्य वह पंडित सच्चा और धर्मात्मा पुरुष था। पंडित जी के चले जाने से कुंवर साहब का काम नहीं रुका। कुंवर साहब उसी पुराने ढंग से अपना काम संभालते रहे। कई वर्ष बीत गए। कुंवर साहब का कारोबार दिनों दिन चमकता ही गया। यद्यपि उन्होंने पांचों लड़कियों के विवाह बड़ी ही धूमधाम से किए परंतु फिर भी उनके मन में एक टीस हमेशा ही लगी रहती थी कि इतनी बड़ी संपत्ति और ऐश्वर्य को भोगने वाला कोई उत्पन्न ना हुआ, क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं था। समय बीतने के साथ ठाकुर साहब का मन इन सांसारिक झगड़ों से उबने लगा था। उनके द्वार पर साधु संत आते तो उसकी खूब सेवा करते, रोज भगवत गीता का पाठ करते। अब परलोक की चिंता उन्हें सताने लगी थी, परंतु परमात्मा की कृपा और साधु संतों के आशीर्वाद से बुढ़ापे में उनके एक लड़का पैदा हुआ। जीवन की आशाएं सफल हुई। दुर्भाग्यवश पुत्र के जन्म लेते ही कुंवर साहब को कई बीमारियों ने घेर लिया। हमेशा वैद्य और डॉक्टरों का तांता लगा रहता, लेकिन दवाओं का कुछ असर ना होता। जैसे तैसे करके 2.5 वर्ष और बीत गए। अंत में उनकी शक्तियों ने जवाब दे दिया। उन्हें मालूम हो गया कि अब संसार से नाता टूट जाएगा। अब उन्हें चिंता ने और अधिक धर दबोचा। ये सारा माल, ये इतनी बड़ी संपत्ति किस पर छोड़कर जाऊं? लड़का अभी इतना छोटा है। लड़के की माँ स्त्री जाति है, वह कुछ ना समझेगी। ये नौकर चाकर, मुख्तियार, मुंशी कितने ही कारिंदे हैं, परंतु सबके सब स्वार्थी और विश्वासघाती हैं। मेरे बाद मेरे बालक को कौन पूछेगा? हाय, मैंने आदमी को नहीं पहचाना। मुझे पंडित दुर्गा नाथ जैसा हीरा मिला था और मैंने उसे ठुकरा दिया। यदि वह फिर से मुझे मिल जाए तो अपनी आधी जायदाद उन्हीं के नाम कर दूंगा। वही मेरे अनाथ बच्चे और मेरे परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। ठाकुर साहब की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। अब अंतकाल आ पहुंचा। उन्होंने पंडित दुर्गानाथ की रट लगाई हुई थी। बच्चे का मुंह देखते और कलेजे से आह निकल जाती। हाय, उस देवता को कहाँ पाऊं? पंडित जी, मेरा अपराध क्षमा करो, मैं अज्ञानी था, अब मेरी बाह पकड़ो। निराशा से उन्होंने आंखें मूंद ली। उनकी स्त्री फूट फूट कर रो रही थी। वह रोती हुई पास जाकर बोली, प्राणनाथ, मुझे और इस असहाय बालक को किस पर छोड़कर जाते हो? कुंवर साहब ने धीरे से कहा, पंडित दुर्गानाथ पर। मैंने उन्हें चिट्ठी लिख दी है और शीघ्र ही वे आ जाएंगे। उनसे कह देना कि मैंने सब कुछ उनको भेंट कर दिया है। यही मेरी अंतिम वसीयत है। कुंवर साहब ने एक अंतिम सांस ली और इस संसार से विदा हो गए। कुछ दिनों बाद पंडित दुर्गानाथ वहां पर पधारे और कुंवर साहब की वसीयत के अनुसार वे कुंवर साहब की सारी जायदाद और जमींदारी की देखभाल करने लगे और पूरी ईमानदारी के साथ उनके परिवार का पोषण भी करते रहे।